कहा यह भी जाता है कि जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की पार्टनरशिप भी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जान नहीं लेंगे कि वहाँ हुआ क्या है, ना खुद चैन से बैठेंगे ना इनको बैठने देंगे। क्या बत्रा के सभी कोचिंग सेंटर इससे अप्रूवल हैं? और अप्रूवल नहीं हो चल कैसे घायल हुए हैं, उनको मुआवजा और नौकरी जिम्मेदार होंगे इसमें, हम सब पे केस करेंगे। तो ये मुद्दा जंतर मंतर गूंजेगा तो हम क्या पकौड़ी खिलाने गए थे? क्या हम भी तो हरी जलने गए हैं भैया? छात्रों के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी तो भी पीछे नहीं हटूंगा। ने दिल्ली की मुखर्जी नगर की आगजनी की खबर सोशल मीडिया पे तो देखी ही होगी, किस तरह से छात्र में अफरा तफरी का माहौल था और लगातार छात्र अभी भी परेशान हैं अपने सहपाठी को लेके कि कुछ हॉस्पिटल में हैं, कुछ बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में ही अभी तक हैं, वो निकले नहीं हैं अभी तक। क्या कहेंगे? हमारे साथ योगी जी हैं, क्या कहेंगे बाल योगी जी? देखिए आज जो है ये पत्रिका है और इस पत्रिका ने राष्ट्रीय दैनिक अखबार ने छापा है, इसमें क्या लिखा है पढ़िए। अवैध कच्चे ढांचे में कोचिंग सेंटर, हजारों प्रवासी विद्यार्थियों के जीवन भारी खतरे में, भागने का कोई रास्ता नहीं। अब आपको स्टूडेंट के बारे में बता दें, यहाँ ये मुखर्जी नगर इलाका है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं और वहाँ कोचिंग करने जाते हैं। 8,000 से 9,000 रुपये पीजी का खाना पीना रहना हम लोगों को पड़ता है और 4 से 5 लाख रुपए हम लोगों की कोचिंग पड़ती है। 2 साल रुके, 1 साल रुके, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, पर इतना बड़ा अमाउंट हम यहाँ पर इस दिल्ली में इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, आज जहाँ जहाँ भी ये कोचिंग है, जहाँ जहाँ हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ से हमें IAS बनाया जा रहा है, संविधान की बातों को बताया जा रहा है और कहते हैं कि हम लोग संवैधानिक काम करेंगे, उस संस्थानों वो संस्थान ही अवैध है। क्योंकि इस पेपर के लास्ट लाइन में लिखा है कि बिल्डिंग को राष्ट्र हित के लिए तुरंत सील कर दिया जाए। उक्त अवैध दृष्टि से आप सोचिए, बिल्डिंग ही अवैध है, एक फायर NOC होता है, एक बिल्डिंग मेंटेनेंस होता है और भी कई कागज लगते हैं कमर्शियल बिल्डिंग के, क्या वो चीज़ उनके पास हैं? क्या बत्रा के सभी कोचिंग सेंटर इससे अप्रूवल हैं? और अप्रूवल नहीं हो चल कैसे रहे हैं? सवाल तो ये है, अगर अप्रूवल नहीं है तो चल कैसे रहे हैं? वो कोचिंग कोई एक दिन से थोड़ी चल रहा है, सालों साल से वो कोचिंग चल रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आज घोषणा हुआ तो मालूम चला दिल्ली की इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टीज अधिकतर भी आपको अवैध मिलेंगी, जिसमें सरकार और प्रशासन का मेल घोल से आम व्यापारी इसका फायदा ले पाता है और आम जनता को नुकसान होता है। पीड़ित छात्र जितने भी हैं, जिनको जो घायल हुए हैं उनको, और दूसरी बात उनको मुआवजा और नौकरी दी जाए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सभी कोचिंगों को अप्रूवल देने से पहले उसका सब कुछ मेंटेनेंस चेक किया जाए। तो सरकार के रवैयों को कैसे देखते हैं? वहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया, सील कर दिया गया। यहाँ पे दोहरी सरकार है, दो सरकार है, प्रशासन भाजपा के हाथ में है और ये पूरा मामला दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। अब पुलिस क्यों रोक रही है? भाजपा के नेता और आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों बयान नहीं दे पा रहे हैं? क्या उनका भी इसमें कुछ हिस्सेदारी है? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की पार्टनरशिप भी है, मिलीभगत है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप मतलब उन व्यापार में पार्टनरशिप है, तो जब पार्टनरशिप है तो भैया पैसा आ रहा है तो कौन कौन बोलने वाला है? लेकिन हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो हमारे पास 140 करोड़ जनता की ताकत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जान नहीं लेंगे कि वहाँ हुआ क्या है, ना खुद चैन से बैठेंगे ना इनको बैठने देंगे। कैसे जानकारी लेंगे जब प्रशासन वहाँ पे जाने नहीं दे रही है? एक हफ्ते के लिए न्यायिक जांच कोर्ट ने रखी है, कोर्ट की जांच आने के बाद हम कोर्ट से परमिशन लेके खुद अपनी लीगल टीम द्वारा हम खुद वहाँ का दौरा करेंगे, उसके बाद हम दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस जो जिम्मेदार होंगे इसमें हम सब पे केस करेंगे। इस बार किस पे? छात्रों का है, देश के भविष्य का है, इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों को इसमें व्यक्तियों पे छात्रों का साथ देना चाहिए। वो छात्र कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, क्या उनको मुआवजा मिलेगा, क्या उनको नौकरी मिलेगी, जो मांगे मेरी हैं वो मुआवजा और नौकरी की है,
प्लस ऐसी घटना ना हो इसके लिए कोई मजबूत कार्यक्रम बनाया जाए। अगर ये कार्यक्रम नहीं बनता है तो ये मुद्दा जंतर मंतर गूंजेगा, याद रखना। ये मुद्दा राजनीति करेंगे आप लोग। अच्छा, ये राजनीति है, मतलब किसी के लिए हक मांगना राजनीति है, किसी की जान के जान माल की सुरक्षा करवाना राजनीति है। तो जाओ जाओ कह के आओ कि मनोज तिवारी से लेके दिलीप पांडे तक ने राजनीति की है यहाँ पे आकर। मनोज तिवारी तो बच्चों का हाल जानने आए थे। तो हम क्या पकौड़ी खिलाने गए थे क्या? हम भी तो हाल जानने गए हैं भैया, हम भी तो हाल जानने गए हैं, हम भी तो अभी हिंदू राव होके आए हैं। वो तो यहाँ पे आए, हम तो अस्पताल गए हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है। एक सांसद होकर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो जो वहाँ का आदमी बता रहा है 50 या 60 लोग बच्चे हमारे पास आए थे इंजर्ड होके, वो झूठ बोल रहा है। वहाँ का इनके पास गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पैदल जाओ मिल गया हो सांसद हो, दिलीप पांडे गाँव में मिल गया बच्चों से। ये मिला, ये पूरा मामला दबाने की साजिश है, दबाने नहीं देंगे, सीधी बात है। क्या करेंगे, अगला कदम बाल योगी का क्या होगा? मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरा छात्र से मतलब आज तक यहाँ के लोकल किसी मुद्दे पे मैंने कोई भी कार्रवाई या किसी पे पार्टिसिपेट नहीं किया लोकल लड़ाई में। लेकिन मैं एक छात्र हूँ, मैं छात्र के लिए छात्र बन के यहाँ पे आया था, छात्रों के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी तो भी पीछे नहीं हटूंगा, फाइनल। तो आप लोग साफ तौर पे देख पाए होंगे बाल योगी है, सोशल एक्टिविस्ट भी इन्हें कह सकते हैं, ये कह रहे हैं दिल्ली यूथ, तो ये कह रहे हैं कि हर कीमत पे ये बच्चों को न्याय दिलवा के ही रहेंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।